भाई इस मूवी ने सच में दिल जीत लिया। दोस्ती की सही अहमियत अगर किसी को जाननी है तो वो सूरज बढ़ जाते कि आई हुई नई मूवी ऊंचाई देख ले। मैं फिर से आगे बढ़ गया ना, शुरू से शुरू करते हैं। ऊंचाई इसके ट्रेलर का रिव्यू करा था एंड वो अभी तक मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है, तो ऑब्वियसली इसका रिव्यू करना तो सबसे पहले बनता ही है क्योंकि व्यूज़ इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के ऊपर। ओके, खैर उन सारी चीज़ों को साइड में हटाते हुए अगर मैं बात करूँ ऊंचाई मूवी की, तो भाई ऊंचाई मूवी वॉज फैबुलस। लाइक वो हर एक इमोशन के ऊपर डिलीवर करने के लिए सक्सेसफुल होती है, तुम्हें कनेक्शन फील होता है एंड तुम फील करते हो कि हाँ यार, मतलब हम भी मतलब जब आगे चल के एजेड होंगे एंड हमारे भी ऐसे दोस्त होंगे उनके साथ मिलकर किसी ट्रिप के अंदर जाएंगे, इस टाइप के एडवेंचर्स टाइप कुछ करेंगे, तो वो मतलब एक जो फील होती है ना वो ये मेंटेन करके रखती है थ्रू आउट द फिल्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सूरज बिरजाते की मूवी का मैं सच बताऊँ मैं बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल के ऊपर फैन नहीं हूँ। लाइक मैंने उनकी मेजॉरिटी ऑफ मूवीज़ देखी है, मेजॉरिटी क्या 5-6 मूवी हैं उनकी देखी हैं। प्रेम रतन धन बायो फेवरेट है सरकास्टिकली। हाँ, कहाँ था मैं, ऊँचाई। तो भाई ऊँचाई की बात करी जाए तो इसके अंदर जिन स्पीक कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेज है वो टू द पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक, बोमन ईरानी फैंटास्टिक, अनुपम खेर फैंटास्टिक, उसके अलावा डैनी डेंजोंगपा काफ़ी ज़्यादा छोटे रोल के लेकिन उन्होंने भी अपना काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करा है। एंड सरप्राइजिंगली इसके अंदर परिणीति चोपड़ा भी है जिन्होंने भी अपना काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करा है, उनसे उम्मीद नहीं थी लेकिन उन्होंने तब भी इसे डिलीवर कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अलावा भाई बात करी जाए सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स कुछ कुछ ठीक थे, कुछ कुछ बस लाइक ठीक ठाक हैं, बस काम चलाओ। उसके अलावा अगर मैं बात करी जाऊँ भाई सिनेमाटोग्राफी की, तो सिनेमाटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा चुम्बा थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। डायरेक्शन भी आज के समय के हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड फील हो रहा था लेकिन चलता है भाई, उनका स्टाइल ही वो है, वो उसी तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर मैं भाई बात करूँ इसके अंदर के विजुअल्स की, तो भाई विजुअल्स बहुत कमाल के थे। विजुअल्स की बात कर रहा हूँ, VFX की नहीं, ये मैं सोच लेना। विजुअल मतलब जो उन्होंने पूरी पूरी सीन ली जिस तरीके से मान ले कि सीन को उन्होंने कैप्चर करा है, हर एक चीज़ का पूरा यूज़ वो करते हैं। यानी अच्छे खासे बजट के अंदर बनी हुई मूवी लग रही थी देखने में, लाइक जो शॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर आए थे। एंड मेरे हिसाब से और कुछ कहने को इसके लिए रह नहीं गया। टिल देन गुड बाय, टाटा सी यू, बाय। एंड हाँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, देख सकते हो।